गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक बफर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, किस तरीके से उसका पीओएच का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फिर हमने बफर रेंज को देखा था, किस किस तरीके से हमको बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। इतनी चीजें हमने देख ली थी। आज हम लोग बात करेंगे बफर एक्शन के बारे में। बफर एक्शन क्या है? जब उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिडी या बेस को ऐड किया जाएगा तो कौन सा एक्शन लेता है जिसकी वजह से अपने अंदर चेंज नहीं होने देता पीएच को, तो आज हम लोग देखते हैं क्या बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। तो आज का हमारा हेडिंग यही है, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ठीक है, लास्ट क्लास में जो बताया उसको रिवाइज करने की हमें जरूरत नहीं, सिंपल सी चीजें बताई थी। किससे बनता है पहले तो बेसिक बफर का मतलब हमारे लिए क्या था? बेसिक बफर का मतलब होता है बेटा, बेसिक बफर के लिए आपको क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए प्लस इट्स सॉल्ट। इट्स सॉल्ट विथ किसके साथ होना चाहिए? विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। यही हमारे बफर की पहचान थी। बेसिक बफर बनने की पहचान क्या थी? वीक बेस हो और उसका सॉल्ट हो किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो आज हम लोग बफर एक्शन को देखते हैं। फॉर्मूला वगैरह हमने कल डिराइव कर लिया था। बफर एक्शन की बात करें तो बफर एक्शन मतलब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ओरिजिनल बफर ले लेता हूं, कोई बना हुआ पहले से बफर है। अगर सपोज करो हमारे पास ओरिजिनल बेसिक बफर है, कोई ओरिजिनल बेसिक बफर है। हम लोग जनरली जो कॉमन पेयर ले रहे हैं किसका ले रहे हैं? NH4OH। ये हो गया आपका वीक बेस और इसका सॉल्ट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? NH4Cl। तो ये हमारा एक बेसिक बफर है। सपोज करो इसके C1 मोल्स हैं, ठीक है, और इसके C2 मोल्स हैं, है ना। अगर पर लीटर में मोल्स की बात करो तो पर लीटर में जो मोल्स होता है वही कंसेंट्रेशन भी हो जाता है। तो मैं इसके C1 मोल्स कह रहा हूँ, NH4Cl के कितने? C2 मोल्स। ये इनिशियली हमें क्या है? ओरिजिनल कोई बफर है। अब इसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड करेंगे। तो अगर मैं NH4OH की बात करूं, देखो किस तरीके से चेंज होगा। NH4OH सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होगा, है ना, इक्विलिब्रियम के तरीके से, और किस में टूटेगा? NH4 प्लस एंड OH माइनस के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने एसिडिक बफर के अंदर देखा था ना, सेम वही चीज है, पूरा का पूरा वही चीज होने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे डिसोसिएट होगा? NH4 प्लस और Cl माइनस के अंदर, ठीक है बेटा। और ये दोनों एक ही सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर हमने अब क्या होगा, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो हम एक्शन देखेंगे किस तरीके से ये एक्शन करता है। अगर हमने इसके अंदर एसिड को ऐड किया तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ करेगा? बेस के साथ करेगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो NH4OH हमारे लिए क्या है बेटा? वीक बेस है। NH4OH क्या है? वीक बेस। और NH4Cl में Cl का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, किसका होने वाला है? NH4 प्लस, मतलब केटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ, और केटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाता है? एसिडिक। तो दिस विल बी आवर एसिडिक सॉल्ट। किस तरीके का सॉल्ट है? एसिडिक। तो अगर आपने एसिड को डाला तो एसिड से नहीं रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। मैंने बताया कि बफर ऐसा ही होता है, बफर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एसिडिक पार्ट भी और बेसिक पार्ट भी। आप एसिड डालोगे तो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस डालोगे तो एसिड से। तो अगर सपोज करो इसके अंदर हमने एसिड को डाला तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? NH4OH के साथ करेगा कि NH4Cl के साथ करेगा? तो एसिड हमेशा बेस से रिएक्ट करेगा, मतलब वो किससे रिएक्ट करेगा? NH4OH से। और एसिड डालने का मतलब क्या? आपने H+ डाला तो H+ किसको कंज्यूम करेगा? OH माइनस को। तो अगर हमने इसके अंदर एसिड को ऐड किया बेटा, अगर आपने एसिड को ऐड किया, एसिड ऐड करने का मतलब आपने H+ ऐड किया, तो H+ किसको लेके जाएगा? OH माइनस, और क्या बनाएगा? वाटर। तो NH4OH एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर आपने बेस को ऐड किया तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए NH4 प्लस पड़ा हुआ है ना, ये काउंटर आयन, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है। तो आप बेस को ऐड करोगे तो बेस किसको उठाएगा? NH4 प्लस को। तो आपने कोई इसके अंदर बेस ऐड किया, बेस ऐड करने का मतलब बेसिकली आपने OH माइनस को ऐड किया, और OH माइनस NH4 प्लस के साथ क्या बना देगा आपका? NH4OH बना देगा, ठीक है। तो इन दोनों केस को हमें समझना है। एक केस होता है जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करें, दूसरा केस हम देखेंगे जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया। सेम पैरेलल है जैसे हमने देखा था पहले पिछले वाले केस में एसिडिक बफर में।
तो दोनों केस को मैं वन बाय वन करके डिस्कस कर देता हूँ। ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। चलो तो अब हम लोग दोनों केस उठा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड। कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया तो क्या होगा, तो मान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड में, मान लो मैंने कहा लेट ए मिलीमोल्स ऑफ HCl आर एडेड। आपने क्या किया, ए मिलीमोल्स HCl को ऐड कर दिया। जैसे आप HCl ऐड करोगे, HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ करेगा। और जब भी आप कोई नया कंपोनेंट डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द रिएक्शन कि क्या रिएक्शन हो सकती है क्या। तो जाहिर सी बात है, HCl डालूंगा एसिड है तो बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा, NH4OH किसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है, HCl के साथ। और जैसे ही NH4OH HCl से रिएक्ट करेगा, तुरंत क्या बनाएगा हमारे लिए, NH4OH और HCl रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या देता है, NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl, NH4Cl प्लस H2O। हमने क्या किया, इसका ओरिजिनल से हमेशा डील करना है। इसका हमने C1 दिया है, ठीक है, और NH4Cl का बेटा कितना दिया है, C2 मोल्स दिया है, ठीक है। और आपने माना है कि A मिलीमोल्स आपने किसका ऐड कर दिया, HCl का A मिलीमोल। तो सेम एसिडिक में भी हमने यही किया था, जब भी दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटी, या तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे, या तो केवल पहला लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या तो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो उन तीनों केस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी एक ये है कि इफ C1 इज इक्वल टू A हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी कि इन दोनों का, दोनों के मिलीमोल सेम हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, इफ C1 इज लेस देन A हो जाए, ठीक है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ C1 इज ग्रेटर देन A। ये तीन पॉसिबिलिटी हैं, जब भी आपको दो कंपोनेंट रिएक्ट करेंगे वहां पे तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो देखो क्या होगा, अगर C1 इज इक्वल टू A हो जाएगा तो बेटा आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा। अगर C1 इज इक्वल टू A है आपका, तो इस केस में अगर मैं पूछूं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, LR कौन होगा, तो C1 इज इक्वल टू A होने का मतलब ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट NH4OH भी है और प्लस HCl भी है, ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो गए तो दोनों सॉल्यूशन से खत्म। तो केवल और केवल क्या बचेगा हमारे पास, फाइनली सॉल्यूशन में हमें क्या दिखाई देने वाला है, NH4Cl। और NH4Cl दिखाई देने का मतलब बेसिकली क्या हो गया हमारे लिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। अब सॉल्यूशन में केवल NH4Cl मतलब सॉल्ट बचा है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट हमें दिख रहा है। ये सॉल्ट किसका है बेटा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया तो हम लोग यही बोलेंगे pH will be determined by सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से pH डिटरमाइन करोगे, और केवल अगर NH4Cl बचा है बेटा, तो बताओ pH का फॉर्मूला क्या लिखोगे, NH4Cl के लिए pH का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, यहां लिख देता हूं pH का फॉर्मूला क्या लिखोगे NH4Cl के लिए, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट जो होता है एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड डोमिनेट कर रहा है और एसिडिक नेचर का होगा। तो pH का फॉर्मूला क्या था वो आपको याद ही रखना है, मैंने बताया हाफ pKw माइनस pKb माइनस log C। तो ये फॉर्मूला हमें लगा के यहाँ पे pH डिटरमाइन करना पड़ेगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बचेगा। सेकेंड हो सकता है C1 इज लेस देन C1 A से कम हो जाए, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा, HCl बचेगा, और ये तो बन ही चुका होगा सॉल्ट, तो ये खत्म हो गया। तो क्या क्या बचा हमारे पास सॉल्यूशन में बेटा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट अगर मैं पूछूं तो केवल क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हमारे लिए हो जाएगा NH4OH। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो सॉल्यूशन में बचेगा क्या, NH4OH खत्म, तो HCl बच जाएगा और क्या बच जाएगा, NH4Cl बच जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन में बचा इस समय HCl प्लस NH4Cl। अभी हमने देखा NH4Cl भी एक तरीके का एसिडिक सॉल्ट है, और HCl खुद जो होता है वो एसिडिक नेचर का है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये भी कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो अब इन दोनों में से pH डिटरमाइन करने का हक किसे मिलेगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो pH कौन डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे HCl करेगा। तो हम लोग यही लिखेंगे pH will be determined by
pH will be determined by HCl. तो pH determine किससे किया जाएगा इस बार? HCl से pH को determine किया जाएगा. और थर्ड लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि A के मिलीमोल्स कम हो और C1 ज्यादा हो, मतलब NH4OH ज्यादा अमाउंट में, HCl कम. तो यही हमारा बफर का केस हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास खत्म कौन होने वाला है? HCl. तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट विल बी HCl. HCl अगर लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट बन गया तो ये सॉल्यूशन से खत्म. बचेगा क्या? NH4OH और NH4Cl. तो हमारे पास बचा है NH4OH प्लस NH4Cl. ये दो चीजें हमारे पास बची हैं. और आप देखो, आपके पास वीक बेस बचा है और उसी का सॉल्ट भी बचा है. तो वीक बेस और सॉल्ट उसका बचा है, इसका मतलब ये हमारे लिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बफर हो जाएगा, बेसिक बफर. और ये एक बार हमें पता चल गया कि बेसिक बफर है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. बेसिक बफर का फॉर्मूला जो होता है, तो pH विल बी डिटरमाइंड बाई, क्या लिखेंगे इसमें? pH विल बी डिटरमाइंड बाई बेसिक बफर. तो pH डिटरमाइन कौन करेगा इस केस में? बेसिक बफर आपका pH डिटरमाइन करने का काम करेगा. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या करना है. मतलब बेसिक बफर में पहले pOH निकालोगे और pOH की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? pH को निकाल लेंगे. तो हम लोग क्या कर दे बेटा, हमारे लिए जो केस है हमें कौन सा देखना है? थर्ड वाला. क्योंकि हम लोग बफर के अंदर बफर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने बफर बनाया है, बफर हमारे पास बनना चाहिए, उस पर एक्शन देख रहे हैं. तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बेटा? HCl. तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट. तो HCl सॉल्यूशन से क्या हो जाने हैं? फाइनली खत्म हो जाएगा. तो खत्म हो जाएगा तो इसके कितने बचेंगे बेटा? C1-A बचेगा. और NH4Cl का कितना हो जाएगा? C2+A. ये ऑलरेडी मैंने पहले भी समझाया, सेम वही चीज चल रही है. तो हमने जो pOH का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो, जनरल तरीके का जो pOH का फॉर्मूला था वो क्या आता है बेटा? PKB प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस. ये कल हमने फॉर्मूला निकाला था. ठीक है, तो इस केस में अब क्या हो जाएगा? अब हमारे पास सॉल्यूशन में NH4OH बचा हुआ है और NH4Cl बचा है, और उनके नए मोल्स ये हो चुके हैं. तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मैंने बताया था वॉल्यूम ऊपर नीचे कट जाता है, तो आप डायरेक्ट मोल्स रख सकते हो. तो यहाँ पे देखो, आपको pOH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? PKB प्लस log कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऊपर लेना है, तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन अब कितना रखोगे? C2+A अपॉन एसिड का C1- एसिड बोल रहा हूँ, बेस का C1- A. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है जब बफर एक्शन किया जाए. कौन सी चीज ऐड किया हमने इसके अंदर? HCl को ऐड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया. तो ये फॉर्मूला आया. और आप इस फॉर्मूले में देखो जरा सा क्या हो रहा है, pOH पहले से बढ़ेगा कि घट जाएगा? तो अब देखो, लॉग के अंदर की क्वांटिटी है ना, pH चेंज होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेंज नहीं होता, pH चेंज होता है, पर लॉग के अंदर हो रहा है काफी स्मॉल अमाउंट में. तो अब देखो, लॉग के अंदर की क्वांटिटी पहले से क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है. C2+ से कुछ जुड़ा है और नीचे से घट रहा है, मतलब pOH की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो बेटा, अगर pOH बढ़ेगा तो pH क्या होगा? घटेगा. और हमें पता ही है कि अगर हमने किसी एसिड को ऐड किया, अगर एसिड को, तो एसिड ऐड करने पे pH हमेशा क्या होता है? कम होता है. तो ये हमारा एक्शन है कब? जब हमने इसके अंदर किसको मिक्स किया है बेटा? एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया है. तो इस तरीके से एक्शन होगा. ठीक है, तो सेम पॉसिबिलिटी हम लोग एसिडिक बफर में भी पढ़े थे, वही चीजें मैं सेम बेसिक बफर में पढ़ा रहा हूँ. चलो, सेकंड देखो, सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हम लोग केस लेते हैं जब हम लोग, ये अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया, सेकंड हम लोग केस ले रहे हैं जब किसको ऐड करेंगे? बेस को. स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, बेस को ऐड कर रहे हैं. अब बेस में मैंने मान लिया कि बेस का लेट बी मिलीमोल्स ऑफ, बेस की जगह पे मैं ले लेता हूं कौन सा? NaOH. लेट बी मिलीमोल्स ऑफ NaOH आर एडेड. एसिड हमने देख लिया, बेस को ऐड कर रहे हैं. अब NaOH मैंने बेस को ऐड किया है, तो बेस किसके साथ? क्या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे क्या? NH4OH और NaOH नहीं कर सकते, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ करेगा. और एसिडिक पार्ट इसमें क्या है हमारा? NH4+, मतलब NH4Cl. तो हमें रिएक्शंस को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन अब रहने वाला नहीं है. ठीक है, तो हमारे लिए क्या रिएक्शन हो जाएगी बेटा? अब नई रिएक्शन, अगर NaOH को ऐड किया है तो NH4OH से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो किसके साथ करेगा? NH4Cl के साथ. तो हमने ले लिया NH4Cl+ NaOH.
तो जैसे इन दोनों को आप रिएक्ट कराओगे तो आप देख सकते हो तुरंत, मैंने आपको बोला है कभी भी इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में कभी भी कोई दो कंपोनेंट के बीच कोई भी हैविंग नो कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन नहीं है देन ऑलवेज थिंक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन देम, और रिएक्शन होगी ही होगी। यहाँ भी रिएक्शन होगी, कोई कॉमन आयन नहीं है, हमें पता है केटायन एंड आयन बस आपस में एक्सचेंज कराना है, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए NH4OH प्लस NaCl, और रूल तो हमारा ही स्ट्रॉन्ग से वीक डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NH4OH क्या है वीक बेस है, तो अभी क्या होगा बेटा इसमें देखो जरा सा, NH4Cl के मैंने C2 दिए हैं, C2 मोल्स माने हैं, और NH4OH के मैंने C1 मोल्स माने हैं, ये ओरिजिनली थे पहले से, और हमने B मिलीमोल्स किसका ऐड किया है NaOH का। तो फिर से दो चीजें अगर रिएक्ट कर रही हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे उन तीन पॉसिबिलिटीज अब ये हटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे चीजें यहाँ की चेंज होगी, पॉसिबिलिटीज तो वही तीनों फिर से चलने वाली है हमारे पास, कितनी पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटीज, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी देखो, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है ये C1 की जगह पे बस मैं क्या कर देता हूँ C2, या तो दोनों बराबर हो जाएं, C2 इज इक्वल टू किसके हो जाए BK, या तो C2 लेस देन किसके हो BK, ठीक है, या C2 ग्रेटर देन किसके हो BK, ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटीज है, और इन तीन पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग अगर C2 BK बराबर है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, C2 BK बराबर है तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा NH4Cl भी हो जाएगा प्लस NaOH, ये दोनों हमारे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे, तो दोनों खत्म सॉल्यूशन से, तो बचेगा केवल क्या बेटा NH4OH बचेगा, क्या बच जाएगा NH4OH, और अगर NH4OH बच गया है तो हमें ये दिख ही रहा है कि ये क्या है वीक बेस है, वीक बेस, तो हमारा POH इसी वीक बेस से निकालोगे, और POH की हेल्प से फिर क्या निकालोगे PH, तो इसमें मैं लिख देता हूँ POH ही लिख देता हूँ, चलो POH will be determined by weak base, और उसका कॉन्सेप्ट तो पता ही है, वीक बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में बस हिंट के लिए दे देता हूँ, हम लोग KB/C का रेशियो वाला क्या करेंगे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद वही 25 × 10⁻⁴ से छोटा बड़ा देख के जो सॉल्व करते हैं उस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये पहला, अगर C2B से छोटा हो गया, C2B से छोटा होने का मतलब ये खत्म हो जाएगा, मतलब हमारे लिए LR पूछे कोई लिमिटिंग रेजेंट कौन हो गया, तो लिमिटिंग रेजेंट अब हमारे लिए NH4Cl हो गया, तो बेटा NH4Cl हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म, तो बचेगा क्या सॉल्यूशन में NaOH और NH4OH, तो हमारे पास बच गया सॉल्यूशन में NaOH प्लस NH4OH। तो अब देखो इसमें जरा, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है आपका बेटा वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के मिक्सचर में पीएच डिटरमाइन करने का, पीओएच डिटरमाइन करने का किसको मिलता है स्ट्रॉन्ग बेस को, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे पीओएच विल बी डिटरमाइन बाय स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब किससे NaOH से, पीएच विल बी डिटरमाइन बाय स्ट्रॉन्ग बेस मतलब किससे NaOH से, क्योंकि मैंने बताया इसका एजम्पशन ये है ना कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के मिक्सर में पूरा OH माइनस किससे आता है स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के मिक्सर में पूरा H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, तो यहाँ पे NaOH से डिटरमाइन करोगे, और लास्ट केस देखो अगर C2B से बड़ा हो जाएगा तब लिमिटिंग रिएजेंट NaOH बन जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे लिए हो गया NaOH, तो NaOH खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा NH4Cl और NH4OH, तो अब ये देखो ये हमारे लिए बफर बन जाएगा, क्या क्या बच गया हमारे पास NH4Cl भी बचा है सॉल्यूशन में प्लस NH4OH ये भी बचा है सॉल्यूशन में, तो अब ये दिख ही रहा है आपको ये पेयर किसका है वीक बेस और उसके सॉल्ट का, तो मतलब अब यहाँ पे हमारे लिए क्या बन चुका है ये बेसिक बफर, तो बेसिक बफर अगर बन गया तो हमारा POH का काम किससे बनेगा POH will be determined by बेसिक बफर, POH will be determined by basic buffer. तो आप POH को basic buffer की help से determine करोगे, ठीक है? तो तीन possibility same acidic buffer की तरह ही है, अगर acidic buffer समझा था आपने तो वही same two same चीजें हो रही है, हमारे लिए जो केस देखना है कौन सा है थर्ड केस, क्योंकि हमें तो बफर बनाना ही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे लिए कौन बन जाएगा बेटा NaOH, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट तो ये खत्म हो जाएगा, तो
तो इसका कितना बचेगा, सी टू माइनस बी, बी रिएक्ट कर जाएगा और ये सी वन पहले से था और बी बन चुका है, तो ये कितना हो जाएगा सी वन प्लस बी। और बताओ बेटा पीओएच का फॉर्मूला क्या लिखोगे, पीओएच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी के बी प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है NH4Cl, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा सी टू माइनस बी, ठीक है, और कंसेंट्रेशन ऑफ बेस मतलब कितना सी वन प्लस बी, तो ये हमारे लिए पीओएच का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हो इस बार पीओएच की वैल्यू बढ़ी नहीं है, पीओएच क्या हुआ है उल्टा कम हुआ है, तो पीओएच हमारा कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, तो अगर बेटा पीओएच डिक्रीज हो गया तो पीएच क्या होगा बढ़ जाएगा, एक दूसरे के उल्टा है ना, तो हमें पता ही है कि अगर हमने बेस को ऐड किया है तो बेस ऐड करने से पीएच हमेशा सॉल्यूशन का बढ़ता है, पर ये चेंज बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, इसीलिए तो इनको बफर बोलते हैं हम लोग, है ना। न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग देखते हैं जरा चेंज किस तरीके से कितने का होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था सेम उसी टाइप का एक न्यूमेरिकल, इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग ले लेते हैं आज। तो आपके पास कोई ओरिजिनल बफर बना रहेगा, उस ओरिजिनल बफर में आपको एसिड या बेस को लाके ऐड करवाएगा और हमसे नया पीएच वगैरह पूछेगा। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था मैंने सेम उसी टाइप का एक न्यूमेरिकल, में यहां भी आपको करवा देता हूं बफर एक्शन के ऊपर। जब भी दो कंपोनेंट अपोजिट नेचर के हों तो आपको रिएक्शन लिखना है, सोचना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, पुराने केसेज हमारे रिपीट होने लगते हैं यहाँ पे, जैसे अभी प्रॉब्लम हम लोग इसके ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। आपको दिया है सपोज करो 7 ग्राम ऑफ NH4OH और ब्रैकेट में इसका KB दिया आपको 10^-5, एक्चुअल वैल्यू 1.8 × 10^-5 है, पर सिंपलिसिटी के लिए मैंने 10^-5, 7 ग्राम ऑफ NH4OH एंड 10.7 ग्राम ऑफ NH4Cl are dissolved in 1 liter of water. एक लीटर वाटर में आपको इन दोनों को डिजोल्व किया गया है। हमारा क्वेश्चन देखो कितने पार्ट में है, पहला पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, चाहे मिक्सर बेसिक हो चाहे एसिडिक हो, हमेशा क्वेश्चन पीएच का ही बनता है ना, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट बोल रहा है हमसे कैलकुलेट चेंज इन पीएच व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड, 4 ग्राम NaOH को ऐड करेंगे तो कितना चेंज होगा पीएच में। थर्ड पार्ट दे रहा है एसिडिक में, ऐसे ही एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट चेंज इन पीएच व्हेन 8 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड। फोर्थ पार्ट दे रहा हमें चेंज इन पीएच व्हेन 12 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड, ठीक है। और एक पार्ट और दे रहा है चेंज इन पीएच व्हेन 3.65 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड, 3.65 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड, ठीक है। और इसमें मैं और चाहूँ तो बना सकता हूँ, आप इनको मैं होमवर्क के फॉर्म में ही दूंगा समझा के। इसमें और दे रहा हमें 7.30 ग्राम ऑफ HCl आर एडेड, ठीक है। और लास्ट एक और केस मान लो ले लेते हैं हम लोग, कैल चेंज इन पीएच व्हेन 9.5 ग्राम ऑफ HCLR एडेड, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट दे रहा है, ये बफर एक्शन का ही सवाल होता है, जब भी एसिड बेस रिएक्शन हो पहले से कोई बफर बना हो उसके अंदर कोई सब्सटेंस मिला रहे हो तो आपको मिक्सर के बेसिकली सोचना है कैसे करोगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमें 7 ग्राम दिया है किसका NH4OH का, तो पहले मैं इसके मिलीमोल्स निकालूं, ठीक है ना, और इसका दिया है तो इसको पहले मोल्स निकालो, और एक लीटर में दिया है तो जो मोल्स आएगा वही हमारी मोलारिटी हो जाएगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले मोल्स ऑफ किसका NH4OH का, तो मोल्स कितना हो जाएगा बेटा बताओ,
मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 7 अपॉन NH4OH का मोलर मास कितना होगा 14 प्लस 4 18, 18 और 16 कितना होता है 34, 34 और 1 कितना हो जाएगा आपका 35, तो ये हो जाएगा 7/35 मतलब कितना 1/5 मतलब ये कितना आ गया 0.2 मोल्स। तो मोलारिटी कितना आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH पूछेगा, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स आया है 0.2 अपॉन वॉल्यूम कितना 1 लीटर लिया हमने, 1 लीटर में डाला है, तो मोलारिटी कितनी हो गई 0.2 मोलर, है ना। चलो इसका देखो मोल्स ऑफ NH4Cl निकालो जरा, मोल्स ऑफ NH4Cl कितना होगा, तो मास कितना दिया है मैंने 10.7 ग्राम, तो ये हो गया मास अपॉन मोलर मास कितना होगा, तो नाइट्रोजन का 14 और प्लस हाइड्रोजन का 4 कितना हो गया 18 और इसका 35.5, तो 18 और 35.5 कितना होगा बेटा 53.5, कितना हो जाएगा 53.5 और ये इसका मैंने सीधा 5 टाइम्स दिया है, ठीक है। तो ये आपका 5 टाइम्स मतलब ये भी कितना है 0.2, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl कितना आएगा आपका 0.2 अपॉन 1 मतलब कितना जाएगा 0.2 मोलर। याद हो तो एसिडिक में भी सेम ऐसा ही सवाल मैंने बना के करवाया था क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो अब हमें दोनों का कंसंट्रेशन मिल चुका है, सॉल्ट का भी मिल चुका है कंसंट्रेशन, हमें बेस का भी मिल चुका है, तो हम लोग पहला पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल ले, क्योंकि ये मिक्सर है किसका वीक बेस, मिक्सर किसका है वीक बेस, और वीक बेस का सॉल्ट है ये कौन सा है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट, तो मतलब ये बेसिक बफर है, और बेसिक बफर है तो सीधा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा पीओएच इज इक्वल टू क्या बेटा पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं PKB की वैल्यू कितनी होगी, KB 10^-5 है तो PKB हो जाएगा 5 प्लस log सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 और बेस का कंसंट्रेशन भी कितना है 0.2, तो दोनों 0.2 है तो 0.2 अपॉन 0.2 तो ये तो कट जाएगा, मतलब POH कितना आ जाएगा बेटा 5, तो अगर POH 5 आ गया तो PH कितना आ जाएगा, PH कितना आ जाएगा, PH आ जाएगा 9, तो पहले का आंसर आ गया कितना 9, अगर POH 5 है तो pH कितना 9, क्योंकि हमें पता है pH और POH का सम किसके बराबर होता है 14 के इक्वल्स, तो एक तो ये हो गया, ठीक है पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट जब आएगा तो सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, चेंज इन pH व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड, तो आप किसी चीज को ऐड करोगे तो आपको तुरंत किसके बारे में सोचना है रिएक्शन के बारे में, तो NaOH क्या है बेस है, तो देखो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में और ये तीन अगले पार्ट में मैंने NaOH को ऐड कराया है, नीचे के तीन में मैंने HCl को ऐड कराया है, तो NaOH को आप ऐड करोगे तो NaOH बेस है, तो बेस बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, किसके साथ करेगा एसिडिक वाले पार्ट के साथ, तो यहाँ पे हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो रिएक्शन लिख लेते हैं NH4Cl रिएक्ट करने जा रहा है किसके साथ NaOH के साथ, और ये अभी रिएक्शन हमने देखी थी क्या बनाएगा NH4OH प्लस NaCl, OH plus NaCl, NaCl से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, तो जिससे pH में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सॉल्यूशन को हमेशा न्यूट्रल बना के रखता है। अब हम लोग पार्ट स्टार्ट करते हैं, एक पार्ट यही मैं करवाता हूँ, देखो आपको सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, हम लोग पहले सेकेंड पार्ट को डील करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में बेटा NH4Cl का अमाउंट कितना है, NH4Cl के हमने मोल्स निकाले हैं 0.2 है, NH4OH का भी 0.2 है, तो हर डीलिंग इनिशियल से करानी है, तो देखो NH4Cl का 0.2 मोल्स, ठीक है, और NH4OH के भी कितने बेटा 0.2 है इनिशियली, और NaOH के कितने मोल्स हमने डाले हैं, तो देखो 4 ग्राम डाला है, और 4 ग्राम का मतलब बेटा कितने मोल्स होंगे, तो मास अपॉन मोलर मास 23, 16 प्लस 1 कितना आएगा 40, मतलब इसके मैंने कितने मोल्स डाले हैं 0.1 मोल्स, कितने डाले 0.1, तो आप NaOH का यहाँ पे डालो कितना 0.1, तो अब देखो इन दोनों में लिमिटिंग रेजेंट कौन बन जाएगा बेटा, जो अमाउंट कम होगा भाई लिमिटिंग रेजेंट, तो इसका मतलब ये हमारे लिए लिमिटिंग रेजेंट हो गया, तो इसका तो कोई अमाउंट बचेगा नहीं, इसके कितने अमाउंट बचेंगे, एक मोल से एक मोल जाता है, तो इसका 0.2 था और 0.1 रिएक्ट कर गया, तो मतलब बचा कितना बेटा 0.1 बच गया इसका, और 0.2 इसका पहले से था और ये रिएक्शन के बाद और कितना बनेगा 0.1 बन जाएगा, मतलब 0.2 ये पहले से है और 0.1 बन गया, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 0.3, तो फिर से हमारे सॉल्यूशन में फाइनली क्या बचा हुआ है बेटा, एक तो सॉल्ट बचा है और एक हमारे पास वीक बेस बचा है, तो फिर से ये बेसिक बफर ही बना,
तो बेसिक बफर बना, तो फिर से मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, पीओएच वाला, तो पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। तो यहाँ पे वैल्यूज को डाल दो, पी के बी की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि के बी 10^-5 है, तो पी के बी हो गया 5 प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है देखो जरा, 0.1 है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 0.1 अपॉन, ये बेसिकली कंसेंट्रेशन, ये तो मोल्स है, लेकिन मैंने बताया मोल्स अपॉन वॉल्यूम रेशियो में तो कट ही जाएगा ना, तो आप मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसेंट्रेशन निकालो ही मत, आप मोल्स को डायरेक्ट रख दिया करो, तो 0.1 अपॉन बेस का कितना 0.3, तो बेटा log 0.1 by 0.3 मतलब log 1/3, और log 1/3 का मतलब कितना हो गया -log 3, और -log 3 मतलब कितना 0.48 होता है ना log 3 की वैल्यू, तो 5 - 0.48, तो 5 में से 0.48 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 4.52, कितना हो जाएगा 4.52। तो ये हमारा pOH है, तो pH कितना हो जाएगा, pH पूछेगा तो 14 माइनस pOH मतलब 14 - 4.52, तो 14 में से 4.52 जाएगा तो pH कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 14 में से 4.52 जाएगा तो ये आपका 9.48 आ जाएगा ना, ना आ जाएगा 9.48 हो जाएगा pH की वैल्यू। इनिशियली pH कितना था 9, और बाद में pH कितना आया 9.48, हमसे क्वेश्चन में पूछा है चेंज इन pH, तो इसलिए डेल्टा pH कितना हो जाएगा हमारे लिए चेंज इन pH पूछे तो 9.48 माइनस इनिशियल कितना था 9, मतलब हमारे लिए डेल्टा pH कितना है बेटा 0.48 का। तो देखो डिफरेंस आया है लेकिन बहुत कम आया है, 0.48 का डिफरेंस आया है ना, बहुत छोटा pH में डिफरेंस आता है ना। अगर आपको पता हो तो ये हमने पहले भी किया है बेटा, सेम वही चीज मैं करवा रहा हूँ, एसिडिक में सेम ऐसा ही सवाल इसी तरीके से कराया था मैंने। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या किया हमने, रिएक्शंस थर्ड पार्ट के लिए चेंज होगा क्या, नहीं, थर्ड फोर्थ इन तीनों के लिए सेम रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन हमारी बदलेगी, थर्ड पार्ट के लिए बस क्या हो जाएगा आपका मोल्स बदल दिया है मैंने। देखो अब इस बार 8 ग्राम ले लिया, 8 ग्राम का मतलब कितना 8/40, मतलब कितना हो गया बेटा 0.2 मोल्स, अब कितने मोल्स हो गए इसके 0.2 मोल्स। तो देखो NH4Cl का 0.2 है, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, NH4Cl का 0.2, NH4OH का भी कितना है 0.2 है, ठीक है, और आपने NaOH के अब कितने ऐड कर दिए बेटा 0.2, कितने ऐड कर दिए 0.2, तो अब दोनों के अगर मोल्स बराबर हो गए मतलब ये भी लिमिटिंग रिएजेंट और ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, तो दोनों सॉल्यूशन से खत्म हो जाएंगे, और इसका 0.2 पहले से है और 0.2 बनेगा क्योंकि एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो 0.2 से 0.2 बन जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा अब बेटा 0.4 हो जाएगा, और ये कौन सी चीज बची है केवल सॉल्यूशन में हमारे पास NH4OH, और NH4OH बचने का मतलब क्या बचा है, केवल वीक बेस बचा है, ये तो खत्म हो गया वो भी खत्म हो गया, मतलब हमारे पास केवल क्या बचा है फॉर वीक बेस, वीक बेस कौन सा NH4OH, तो केवल अगर वीक बेस आपके पास बच गया वो बेटा सॉल्यूशन में, तो pOH डिटरमाइन कौन करेगा, वीक बेस, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वीक बेस केवल सॉल्यूशन में बचा हो तो वी हैव टू फर्स्ट चेक रेशियो ऑफ Kb/C, तो हम लोग यहाँ पे Kb/C का रेशियो चेक करते हैं, Kb की वैल्यू 10^-5, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.4 मोल्स है, तो मोल्स एक लीटर वॉल्यूम दिया है तो 0.4/1 कितना हो जाएगा 0.4 ही रहने वाला है, तो हमारा Kb है 10^-5, ये आ गया 0.4, तो ये देखो आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका 1/4 × 10^-6, ठीक है, नहीं 10^-4, तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.25 × 10^-4, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर 25 × 10⁻⁴ से तो बहुत छोटा है, तो अगर ये वैल्यू छोटी होती है तो उस केस में हमारा अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल, तो सीधे हम लोग OH- का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट में Kb × C, सीधा लगा देते हैं ये फॉर्मूला, तो अंडर रूट में Kb × C लगा दो यहाँ से, तो देखो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में Kb की जगह 10^-5 × C की जगह 0.4, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 × 10⁻⁶ लिख सकता हूँ इसे, 4 × 10⁻⁶, तो 4 का कितना आ जाएगा 2, और 10^-6 का कितना आ जाएगा 10^-3, तो ये स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारा OH माइनस आया, तो POH कितना हो जाएगा, तो 10 के नेगेटिव पावर जो होता है वो आगे ले लेते हैं, 3 माइनस कितना हो जाएगा log 2,
तो 3 माइनस लॉग 2 होता है 0.30, तो 3 में से 0.30 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2.70। तो पीओएच अगर 2.70 है बेटा तो पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.70, तो 14 में से 2.70 जाएगा तो कितना आएगा आपका 11.30, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 11.30। तो हमें चेंज इन पीएच चाहिए, तो इनिशियल पीएच 9 था, बाद में पीएच कितना है 11.30, तो हमारा इसलिए डेल्टा पीएच कितना हो जाएगा बेटा 9 और 11.30, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.30 हो जाएगा डेल्टा पीएच। तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर 2.30 हो जाएगा, ठीक है, चलो, है ना। तो सेम जैसे हम लोगों ने किया था उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, तो मैं आपको एज ए होमवर्क ये दे देता हूँ, कौन कौन से आप सॉल्व कर लीजिए। हमने एसिडिक में किया था ना, सेम ऐसे ही किया था, तो बेसिक के लिए मैं फिर से उनको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। देखो थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, इसमें देखो 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम होने का मतलब क्या करोगे, आइडिया दे देता हूं मैं आपको। थर्ड फोर्थ पार्ट फिफ्थ सिक्स और सेवन, ये आपको एज ए होमवर्क है, आप इनको ट्राई करिए, क्योंकि मैंने एसिडिक में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, तो वहाँ आइडिया दिया है मैंने, तो आप इनको होमवर्क के फॉर्म में ट्राई कर लीजिए। 12 ग्राम के लिए क्या करना है, क्योंकि एक टॉपिक और मुझे पढ़ाना है, तो मैं सोच रहा हूँ उसे कंप्लीट ही करा दूँ, आप एज ए होमवर्क इसे ट्राई करिए। देखो 12 ग्राम के लिए क्या करना है, आइडिया दे देता हूँ मैं, क्या करोगे 12/40 कर दोगे, तो 12/40 मतलब कितने मोल्स आ जाएंगे आपके 0.3 मोल्स आ जाएंगे। तो अब देखो 0.3 आ जाएगा, तो ये तो 0.2 पहले से था, ये 0.2 है, ये कितना हो गया बेटा 0.3 हो गया। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा हमारे लिए, NH4Cl, तो ये सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा खत्म, तो NaOH बच जाएगा और क्या बचेगा NH4OH बच जाएगा। तो एक वीक बेस है और दूसरा क्या है हमारे पास, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग बेस है दूसरा क्या है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में पीएच डिटरमाइन करने का हक किसे मिलता है, कर ले क्या एक पार्ट और कर लेते हैं, चलो थर्ड वाला पार्ट हम लोग फोर्थ वाला पार्ट एक और कर लेते हैं इसमें। देखो ये मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि डेटा यहाँ से चेंज होंगे ना, और पार्ट कर ही लेते हैं हम लोग, और बाकी आप ट्राई करिएगा खुद से लगाने का। देखो ये 0.2 पहले से दिया था और इसका 0.2 बेटा पहले से दिया है, ठीक है, इन दोनों का, और NaOH का आपने कितना ऐड कर दिया, ये मैं कर रहा हूँ कौन सा पार्ट फोर्थ पार्ट का आंसर, ठीक है। इसका कितना दे दिया 12 ग्राम का मतलब कितना 0.3, तो ये हमें इस बार 0.3 दिया है। तो अब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, अब तो NH4Cl लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा अमाउंट कम, तो ये खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन से, तो NaOH का कितना बचेगा 0.3 माइनस 0.2 मतलब कितना 0.1 बचेगा, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 0.2 पहले से था और एक से एक बनता है तो 0.2 खत्म होगा, तो और 0.2 बन जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो आपके सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, आपके सॉल्यूशन के अंदर NaOH मौजूद है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में NH4OH मौजूद है, है ना। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या बचा है, फॉर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस मतलब क्या NH4OH और स्ट्रॉन्ग बेस क्या NaOH। तो हमारे पास वीक बेस का मतलब क्या बचा है, हमारे पास NH4OH बचा है, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या बचा है आपके पास NaOH बचा है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में जो pOH डिटरमाइन करने का हक है वो किसको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस को मिलेगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमने पढ़ा है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में OH माइनस किससे आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस। तो बेटा NaOH का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, NaOH का मोल्स कितना है 0.1, वॉल्यूम 1 लीटर, मतलब कंसंट्रेशन कितना 0.1, तो अगर कंसंट्रेशन NaOH का 0.1 है तो OH माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना होगा 0.1 होगा, मतलब 10^-1, तो इसलिए POH कितना हो जाएगा 10 के जो नेगेटिव पावर होता है कितना 1, तो अगर POH 1 हो जाएगा तो इसलिए pH कितना हो जाएगा इसका 13, और pH 13 पहले pH 9 था बाद में 13 हो गया, तो सो डेल्टा pH कितना आ जाएगा हमारे लिए आंसर, डेल्टा pH विल बी 4। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट का भी हिंट ले लो, फिफ्थ पार्ट में अब क्या कर दिया मैंने, देखो फिफ्थ में HCl है, सिक्स में HCl है, सेवन्थ में HCl है। अब HCl जब डाल दिया आपने, एसिड डाल दिया, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ करेगा कि बेस के साथ करेगा, तो अब HCl बेस के साथ करेगा, मतलब अब रिएक्शन आपको इन तीनों पार्ट के लिए रिएक्शन को चेंज करना है, तो इन तीनों पार्ट का रिएक्शन चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा रिएक्शन हमारा, रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा NH4OH प्लस HCl, और NH4
OH और HCl रिएक्ट करेंगे एसिड बेस, तो क्या बनाएंगे बेटा, NH4Cl प्लस H2O बनाएंगे, ठीक है। तो आप इनको भी कर सकते हो, ये 3.65 अपॉन 36.5 HCl का मोलर मास इतना होता है, तो कितना आएगा 0.1 मोल्स। तो पहले केस लगा लो 0.1 वाला, तो देखो ये कितना है 0.2 पहले से है, और ये कितना है बेटा 0.2, और HCl का मैंने कितना दे दिया आपको 0.1। तो लिमिटिंग रिएजेंट HCl, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये खत्म, तो ये कितना बचेगा 0.2 माइनस 0.1 मतलब कितना 0.1 बचेगा। HCl का 0.2 पहले से था और 0.1 बन चुका, तो कितना हो गया 0.3। तो अब देखो फिर से सॉल्यूशन के अंदर क्या है, NaOH है और NH4Cl है आपका, मतलब वीक बेस और उसका सॉल्ट है, मतलब ये बेसिक बफर हो गया। अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आप कर सकते हैं। ये आपका NH4OH क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है उसका सॉल्ट है, तो इसका मतलब बफर बन गया। बफर बन गया तो क्या निकालेंगे, POH निकालोगे, और POH क्या लिखोगे, PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, तो वहां से POH निकलेगा, फिर PH निकाल के कंपेयर कर लेंगे। सिमिलर पार्ट 7.30 के लिए 0.2 मोल्स हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों लिमिटिंग रेजेंट, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केवल NH4Cl बचेगा, तो फिर पीएच किससे निकालोगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाओगे, NH4Cl पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले से निकलेगा सेकंड केस में। और थर्ड केस में आपने 10.95 लिया, मतलब इसके 0.3 मोल्स, तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो HCl और NH4Cl बनेगा, तो निकालने का काम किसको मिलेगा, HCl को, जो अभी मैंने लिखवा के दिया है वही चीजें करनी है। और बफर का ये आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये छोड़ा हूं मैं। अब एक चीज बस बफर में लास्ट हमारा बचा है क्या, बफर कैपेसिटी। तो हम लोग बफर कैपेसिटी को पढ़ लेते हैं, फिर हमारा बफर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग सीधे टाइट्रेशन वाला पार्ट हमारा बचेगा, तो हम लोग उससे भी देख लेते हैं बफर कैपेसिटी को। बफर के लिए लास्ट है, बफर है, बफर के अंदर हम लोग लास्ट चीज देखने जा रहे हैं, लास्ट है हमारे पास, लास्ट रीडिंग इसका बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, बफर कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, फिर मैं बता रहा हूं क्या होता है बफर कैपेसिटी में, यही हम लोग लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाई फाई, इट इज डिनोटेड बाई फाई, किससे डिनोट करते हैं बेटा, फाई से, एंड डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस which should be added in 1 liter of buffer solution, which should be added in 1 liter of buffer solution, चाहे acidic buffer हो चाहे basic buffer, बफर कैपेसिटी डिनोटेड बाई फाई, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस विच शुड बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाई 1 यूनिट, ठीक है। ये होता है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपके पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन कोई मौजूद है, उसके अंदर कितना अमाउंट एसिड या बेस का ऐड करो ताकि उसका पीएच कितने से चेंज हो, 1 यूनिट से चेंज हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ एसिड और बेस विच शुड बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। कोई 1 लीटर का बफर है, कितना हम डालें एसिड या बेस ताकि चेंज कितना हो पीएच में, 1 यूनिट का चेंज हो, तो यहां से हमारे पास फाइव बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइव का बेटा, डी एक्स अपॉन डी पी एच। डीएक्स का मतलब क्या है, कितना मैं अमाउंट डालना चाहता हूं एसिड या बेस का, और डीपीएच क्या है, चेंज इन बफर। तो अगर चेंज इन बफर आपका 1 यूनिट का हो जाएगा, तो जो भी आपने अमाउंट डाला है वही की क्या कहलाएगा, बफर कैपेसिटी। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला है 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी।
तो क्या मीनिंग है ए और बी का, वो समझा देता हूं मैं। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा बफर कैपेसिटी के लिए। तो क्या मतलब है इनमें, सिंबल्स के मीनिंग समझ जाते हैं जरा। डीएक्स, डीएक्स का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड इन वन लीटर बफर। ठीक है, डीएक्स का मतलब है कितना आपने एसिड या बेस का अमाउंट 1 लीटर बफर में ऐड किया है। और डीपीएच का तो मतलब समझ में ही आ रहा होगा, डीपीएच मतलब क्या, चेंज इन पीएच। डीपीएच का मतलब क्या है, चेंज इन पीएच। तो अगर चेंज इन पीएच आपका 1 यूनिट कर दोगे तो ये डीपीएच की जगह पे 1 रखोगे तो डीएक्स इसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो जो भी अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करोगे 1 लीटर में वही क्या कहलाता है, बफर कैपेसिटी। यही डेफिनेशन ही थी हमारे पास अमाउंट ऑफ एसिड और बेस विच शुड बी एडेड किसके अंदर, इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। ठीक है, और सेकंड ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपको अमाउंट दिया हो और चेंज इन पीएच दिया हो तो उसका बफर कैपेसिटी हमसे पूछ सकता है कितना होगा। मान लो चेंज इन पीएच बोला कि 2 है और अमाउंट या एसिड बेस का ऐड किया है उसने बोला 4 मोल्स है, तो 4/2 करके बफर कैपेसिटी 2 आ जाएगा उस तरीके से। अगर चेंज इन पीएच 1 हो जाएगा तो जो भी अमाउंट ऐड करोगे वही बफर कैपेसिटी। और सेकंड वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, सेकंड वाला तब यूज करेंगे जब हमें अमाउंट दिया हो। अमाउंट का मतलब, ए का मतलब क्या, देखो ए का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। ए का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस। एसिड का अगर एसिडिक बफर दिया है तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और अगर आपका बेसिक बफर रहेगा तो बेसिक बफर के अंदर वो ए का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है हमारे लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो एसिडिक बफर रहेगा तो एक एसिडिक पार्ट होगा, दूसरा क्या रहेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बी से डिनोट करेंगे और एसिड के कंसंट्रेशन को ए से। अगर बेसिक बफर रहेगा तो एक बेस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट का बी से और बेसिक बफर का ए से। तो ये हमारा मीनिंग है, आपको जो डेटा गिवन है उस हिसाब से उस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये हमारा बफर कैपेसिटी कहलाता है। बस ये छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है और सिलेबस में चुकी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बस रफ हिंट दे देता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो, पर वो सिलेबस में नहीं है। आपको बेस्ट बफर की कंडीशन मैंने बताई थी, चलो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन रफ हिंट के लिए मैं साइड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने बेस्ट बफर की बात की थी, तो बेस्ट बफर के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि बेस्ट बफर के लिए क्या होता है आपका, सॉल्ट अपॉन बेस हो, है ना, सॉल्ट अपॉन एसिड हो। एसिडिक बफर लोगे तो सॉल्ट अपॉन एसिड लोगे, बेसिक बफर लोगे तो सॉल्ट अपॉन बेस। उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। मतलब बेसिकली यहां से अगर देखा जाए तो हमारे लिए सॉल्ट का तो डिनोशन क्या दिया हमने, बी से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस को ए से। मतलब बी बाई ए किसके बराबर, 1। मतलब बी बराबर किसके आना चाहिए, ए के बराबर। तो ये यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये निकाल सकते हैं, पर ये सिलेबस में नहीं है कैसे डिराइव होता है। फिर भी एक रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग कैसे निकालना है आपको। देखो, कोई अगर मान लो एसिडिक बफर ले लिया हमने, कौन सा ले लिया, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का बेटा पीएच का फॉर्मूला, मान लो पीएच 1 लिख रहा हूं, मतलब बिना एसिड बेस को ऐड किए अगर पूछूं मैं, तो पीएच 1 का फॉर्मूला क्या था इसका, पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का मतलब हमने बी ले लिया और कंसंट्रेशन ऑफ क्या था, एसिड, मतलब क्या ले लिया, ए। तो ये हो जाएगा। और मान लो हमने ऐड कर दिया एक्स मोल्स, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपने ऐड अगर कर दिया बेटा तो आपका पीएच चेंज हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस के फॉर्म में देखा है पीएच चेंज हो गया, तो एक्स मोल ऐड करते चाहे एसिड को ऐड करो चाहे बेस को, पीएच चेंज हो गया। तो पीएच 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो बेटा आपका पीके प्लस लॉग, ऊपर क्या आता था, एक चीज घटती थी एक जगह पे, बढ़ता है या घटता है, तो इसको मान लो बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स लिख दो, या बी प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिखो, क्योंकि या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे। तो इस तरीके से हो जाता था फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ से क्या डीपीएच निकाल सकते हैं, डीपीएच मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पीएच 1 माइनस पीएच 2। तो जैसे ही आप पीएच 1 माइनस पीएच 2 करोगे तो आपका पीके पीके कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो लॉग बी बाई ए माइनस लॉग b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और आप इसे चाहो तो क्या लिख सकते हो, log b बाई ए इंटू ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। इसको ऊपर नीचे कर दिया माइनस को प्लस करने के लिए। तो आप देखो यहां से क्या मिल गया, dph मिल गया आपको,
तो आप अब इस डीपीएच में, अब देखो अब ये जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पता चल जाएगा, नीट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। ये सिलेबस में नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस के अंदर हमारे लिए है, सिलेबस में केवल ये है बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर। ये बस मैं एडवांस के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए आपको, कि बेस्ट बफर की कंडीशन कैसे निकाली जाती है। सिंपल, पहले इस तरीके से फॉर्मूला होगा, कुछ ऐड करोगे तो फॉर्मूले में थोड़ा सा यही चेंज होता है, देखा था हमने। आप दोनों के डिफरेंस से डीपीएच निकाल लो, डीपीएच इस तरीके से आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स एक वेरिएबल है ना, कितना अमाउंट आपने डाला, तो एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल ले लोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, डीएक्स अपॉन डीपीएच, और जैसे ही रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करोगे तो आपका यही फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है, क्योंकि ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है हमारे, क्योंकि डिफरेंशिएट करना ही काफी मुश्किल होगा अपने लिए, है ना। मैथ्स वाले तो कर सकते हैं, नीट में वाले थोड़ी दिक्कत फेस करेंगे, तो सिलेबस में है नहीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तरीका यही है कि इसको डिफरेंशिएट करो और रेसिप्रोकल ले लो, तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और दूसरी चीज कि बेस्ट बफर के लिए बी बराबर ए कैसे होगा, तो आपको पता है किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा मैथ्स में पढ़ाया जाता है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रखा जाता है बेटा, जीरो के इक्वल। मैक्सिमा या मिनिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को जीरो रखते हैं, और जब आप इस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, बी बराबर किसके, ए के, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा निकालने का। तो बस एक लास्ट, हम लोग चूंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, डेरिवेशन वगैरह हमारे कोर्स में नहीं है, बस इतना हमारे पार्ट में है। अब एक न्यूमेरिकल बस हम लोग बफर कैपेसिटी के ऊपर देख लेते हैं, और फिर हमारा बफर वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल मैं दे देता हूँ इसके ऊपर, सिंपल सा किस तरीके से न्यूमेरिकल दे रहा हमें, जैसे बोल रहा हमें कैलकुलेट बफर कैपेसिटी, कैलकुलेट बफर कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग बफर, कैलकुलेट बफर कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग बफर एंड विच विल बी बेस्ट बफर, एंड विच विल बी बेस्ट बफर। और आपको दे रहा है, पहला दे रहा है इसके अंदर 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 0.1 मोलर CH3COONA, पहला ये है एक बेसिक एसिडिक बफर है। सेकंड दे रहा है 0.2 मोलर CH3COOH प्लस 0.2 मोलर CH3COONA। तो आप देख सकते हैं दोनों एसिडिक बफर है, तो आपको बफर कैपेसिटी निकालना है कि बफर कैपेसिटी क्या होगी। तो कैसे निकालोगे बेटा बफर कैपेसिटी, तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहले तो ये है, तो इसमें हमें एसिड दिया है और उसका सॉल्ट दिया है और उनके कंसंट्रेशन भी दिया, मतलब ये हमारे लिए ए बन गया और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, बी बन गया, ठीक है ना। अगर ये बेसिक बफर होता तो ये ए बन जाता और वो बी बनता, सॉल्ट हमेशा बी, इसके लिए ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट के बफर कैपेसिटी निकालो, फाइ इज इक्वल टू क्या, 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो 2.303 इंटू ए की जगह पे कितना रखोगे, ए की जगह पे 0.1 इंटू बी की जगह पे भी बेटा 0.1, दोनों 0.1 है, डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.1, तो 0.1 और 0.1 मिलके कितने, 0.2 और 0.2 है, तो एक पॉइंट अगर मैं कट कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0.303/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले का बफर कैपेसिटी ये हो जाएगा। सेकंड के बफर कैपेसिटी कैसे निकालोगे, फाइ इज इक्वल टू 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी, फॉर्मूला आपके सामने है, तो बस वैल्यूज को डालो, 2.303 इंटू ए की जगह पे कितना बेटा 0.2 और बी की जगह पे भी कितना 0.2, वो चेंज कर सकता है, जो भी चेंज करेगा उसको आपको ए और बी के तरीके से लेना है, डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.2, तो 0.2 मिलके कितना हो जाएगा 0.4 और ये कितना हो जाएगा 0.04, तो अगर कट करोगे तो ये आपका 0.30, नहीं इसमें गलत हो गया, ये 0.30 पॉइंट, ये केवल 0.2303 आएगा, ठीक है ना, वो गलत कैलकुलेशन कर दिया था। ये करेंगे तो 0.1 मिलके कितना हो जाएगा 0.2, 0.1 और 0.1 मिलके कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और ये 0.1, ठीक है सही किया था ना हमने, ये 0.2 सही किया हमने, 0.303 बाई कितना आएगा 2 आएगा पहले का,
और दूसरे में करो तो देखो आपका ये कितना 0.2 और 0.2 मिल गया कितना 0.4, और ये 2 टू जा 0.04, तो अब 4 से 4 कटेगा, मतलब इसका कैलकुलेशन कितना आएगा 0.2303 आ जाएगा, ठीक है ना, एक डेसिमल से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बफर कैपेसिटी के आंसर हो जाएंगे, पहले का आंसर 0.303/2 है, दूसरे का आंसर 0.203 है, और हमसे पूछा है विच विल बी बेस्ट बफर, तो बेस्ट बफर पहचानने का तरीका क्या है, कौन सा इनमें से अच्छा बफर है, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा बफर माना जाएगा, तो इसमें बफर कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, सेकंड वाले की, तो हम लोग बोलेंगे सेकंड विल बी बेस्ट बफर, सेकंड विल बी बेस्ट बफर, इन दोनों में से कौन अच्छा बफर है, तो हम लोग क्या कौन सा बफर चुनना चाहेंगे, सेकंड वाला बफर चुनेंगे, क्योंकि इसकी बफर कैपेसिटी क्या है, पिछले वाले से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा बफर सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन या पीएच टाइट्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी हमने चीजें पढ़ी है ना, जो भी फॉर्मूले, अब केवल पीएच निकाल निकाल के उसको ग्राफ की तरीके से प्लॉट करना है, पीएच वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे कि आप वॉल्यूम एसिड या बेस का कैसे ऐड करो और किस तरीके से पीएच का वेरिएशन होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब टाइट्रेशन कर हमें कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं। तो आज का लेक्चर हम लोग बफर कंप्लीट हो गया है, तो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।